Good morning everyone. Today we will learn how to measure the capacity. First of all, we understand the meaning of capacity. It is the total amount of a liquid, or you will say fluid, that can be contained in a container. Liquid substance like oil, water, milk, juices. So beta, it is a word we use when we are measuring the liquid. हम इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें मेजर करना हो, लाइक वाटर को, ऑयल को, मिल्क को, राइट? सो वी मेजर द कैपेसिटी इन लीटर्स और मिलीलीटर्स. हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं लीटर्स और मिलीलीटर्स में. जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में, वेट को करते हैं किलोग्राम और ग्राम में, उसी प्रकार से हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं बेटा लीटर्स और मिलीलीटर्स में. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर. जो बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के लिक्विड्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं मिलीलीटर. लाइक आपको स्पून की कैपेसिटी को मेजर करना है, या आप ग्लास की कैपेसिटी को मेजर करना चाहते हैं, या कोई छोटी सी बाउल हो है, या कोई मेडिसिन की बॉटल्स हैं, तो अगर आप उनकी कैपेसिटी को मेजर करेंगे तो उनको आप मेजर करते हैं मिलीलीटर्स में, ml फॉर मिलीलीटर्स. और लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स लाइक अ वाटर टैंक बेटा, जो आपके घरों के ऊपर लगे हुए हैं, आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंक है, आप बकेट ऑफ वाटर है, या आपकी वाटर बॉटल है. जब मान लो मम्मा शॉपकीपर पर जाती हैं वाटर बॉटल लेने, तो वो पूछता है कि आपको कितनी कैपेसिटी की वाटर बॉटल चाहिए, तब आप उनको बोला जाता है कि हमें 1 लीटर की चाहिए, 2 लीटर की चाहिए, राइट? सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर्स, एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटी इज लीटर बेटा. इज इट क्लियर? और आप लुक एट हियर बेटा, ये आपने मेजरिंग टूल भी देखे होंगे. किसके पास होते हैं ये? मिल्क मैन के पास. उनके ऊपर मेंशन होता है कि ये 200 ml का है, 50 ml का भी होता है बेटा, 100 ml का भी होता है, 1 लीटर का भी हो जाता है, 2 लीटर का. जो ये यूटेंसिल्स हैं बेटा, इन पे जो ये मार्किंग हो रखी है, लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इनके अंदर की कैपेसिटी 1 लीटर की है, यानी इसके अंदर 1 लीटर मिल्क आएगा. ओके, नाउ इन 1 लीटर बेटा इक्वल्स टू 1000 ml. हमारा 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1000 ml के बराबर होता है. लीटर इज द बिगर देन द मिलीलीटर. नाउ लेट्स वी डू द एक्सरसाइज 10.9. योर क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द मोर सुटेबल यूनिट मिलीलीटर और लीटर. सो मेडिसिन इन एन आई ड्रॉपर. जो आई ड्रॉपर होता है बेटा, लुक एट इट, ऐसा ऐसा होता है ना आई ड्रॉपर, छोटा सा भी होता है ये, तो इसके ऊपर बेटा कैपेसिटी लिखी होती है. लुक एट हियर, यहाँ पे देखिए आप 10 ml लिखी हुई है. ओके, सो मेडिसिन इन एन आई ड्रॉपर वी विल मेजर इन मिलीलीटर, 5 ml. मेरे पास जो मेडिसिन है, आई ड्रॉपर है, इसकी कैपेसिटी क्या है बेटा? 10 ml है, जो यहाँ पर मेंशन है. कॉफ़ी इन अ कप, एक कप में कितनी कॉफ़ी आ सकती है बेटा? इन मिलीलीटर्स. पेट्रोल इन अ कार, लीटर्स. लेमनेड इन अ जग, 750 ml. मिल्क इन अ पैकेट, एक दूध का पैकेट कितने का आ सकता है बेटा? लीटर का भी हो सकता है वो, और मिलीलीटर का भी हो सकता है. बोथ आर राइट हेयर. नाउ द बी पार्ट इज हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ द गिवन कैपेसिटी विल फिल अ 1000 ml ऑफ अ जग. आपके पास 1000 ml जग में वाटर आता है बेटा. अगर आपको उसके 200 ml के ग्लासेस को फिल करना हो, तो आप कितने ग्लासेस फिल कर पाएंगे 1000 ml से? तो आप क्या करेंगे? यस, कितने ग्लासेस फिल कर पाएंगे बेटा? तो 1000 को यहाँ पर आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 5. तो आप 5 ग्लासेस 200 ml के फिल कर पाएंगे 1000 ml वाटर से, या जूस से, वट एवर इट इज. सेकेंड इज 100 ml. सो हेयर वी फिल द 10 ग्लासेस, राइट, इन 500 ml, 500 ml प्लस 500 ml इक्वल्स टू 1000 ml. सो हेयर वी फिल ओनली 2 ग्लासेस, एंड 250 + 250 + 250 + 250 इक्वल्स टू 1000. सो हेयर 4 ग्लासेस आर फिल्ड, राइट?